राधे राधे दोस्तों। आज हमें दोस्तों रामंगा क्षेत्र अपने ही क्षेत्र में है आज हम तो। आज इस वीडियो के माध्यम से हम ये दिखाना चाह रहे हैं आप लोगों के लिए कि यहाँ से गंगा जी कम से कम 2 किलोमीटर दूरी पे हैं। ये रोड है और ये रामगंगा स्टेशन है जो अभी मालगाड़ी खड़ी हुई है, और यहाँ पर ये जो है बदायूं रोड है दोस्तों। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको दिखाना चाहूँगा जो ये शहर जो बरेली है, यहाँ से लोग दोस्तों आते हैं और यहाँ से जो अपने श्री विग्रह जो हैं वो यहाँ छोड़ के जाते हैं। ये देख रहे होंगे बंदा आप, ये हमारी टीम से ही है दोस्तों। तो यहाँ पर ये जो टीला देख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पानी भरने के कारण जो है काफ़ी मूर्तियाँ जो हैं वो इसी में मिश्रित हो गई हैं, लेकिन कुछ मूर्तियाँ हैं यहाँ पर वो यहीं पर हैं। मैं आपको चल के दिखाता हूँ और बता देता हूँ मैं आपको। और यहाँ से आगे भी कुछ कोई पेड़ है पीपल का, वहाँ भी रखी हुई है, वहाँ भी मैं आपको लेके चलूँगा। तो कहने का मतलब ये है कि जब आप यहाँ तक आ रहे हैं तो आप गंगा पे चले गए, वहाँ जैसे जिस तरीके से हम अंत्येष्टि क्रिया करते हैं उसी तरीके से आप भी कर सकते हैं, ठीक है। तो आपके घर में कोई अगर पधार जाता है तो आप उसकी अंत्येष्टि क्रिया करते हैं, नहीं करते हैं? तो इसी तरीके से आप मूर्ति को भी वहाँ पे, अगर गंगा जी दूषित ना हो तो इसलिए 10 कदम दूरी पे आप एक गड्ढा करें, वहाँ फूल वूल चढ़ाएँ और वहाँ पे मूर्तियों को दबा सकते हैं, ठीक है। पर ये एक शौच करने वाला एरिया है, लोग यहाँ शौच भी करते हैं खुले में आके, ठीक है। और ये एक बारिश का पानी यहाँ भरता है इसलिए तलैया वगैरह बन जाती है। तो बताओ ये कोई तरीका ही पवित्र जगह है आप जो इस तरीके से छोड़ के चले जाते हैं यहाँ पे? तो मैं आपको लेके चलता हूँ। तो चलिए दोस्तों मैं वहाँ पे आपको लेके चलता हूँ, और ये हमारी टीम का ही मेम्बर है, आप आइडिया लगा सकते हैं। देखिए कि यहाँ पे चुन्नी उन्नी पड़ी हुई है, बताइए, ये देखिए ये चुन्नी वगैरह पड़ी हुई है, ये कैलेंडर भी है, दुर्गा मैया कैलेंडर है दोस्तों, ये देखिए, बताइए क्या है ये, बहुत शर्म की बात है, ठीक है। ये सब पूजा का ही सामान है जो अब ये एक मिट्टी में बदल चुका है, ठीक है। ये श्री विग्रह हैं, ये देखिए नारियल है, ये अब ये देखिए गणेश जी की मूर्ति है, ये देखिए, तो अब हम इन्हें ले जाएंगे। और ये देखिए ये झंडा है, इस पे भी दुर्गा मैया हैं, ये देखिए दोस्तों, ठीक है, ये देखिए, बताइए, तो आप इस समझ सकते हैं दोस्तों ये सही है गलत है। ये देखिए ये शिवलिंग है, तो हम इनको जो है दोस्तों अब लेके जाएंगे जो हमें मिलती हैं यहाँ से, और इनको गंगा जी पे विसर्जित करेंगे दोस्तों। बाकी सब इसमें अब वैसी हो चुकी हैं जो हमें मिल रही हैं, कैलेंडर भी रख लो, ये एक ये है देखिए दबी हुई है, ये देखिए, ये श्री विग्रह है, ये भी गणेश जी का है दोस्तों, ये देखिए, ये ऐसे लोग फेंक जाते हैं, आप क्या कहेंगे ऐसे लोगों के लिए बताइए, बहुत ही निंदनीय कार्य है ये, ठीक है। कैसे बुद्धि शुद्ध होगी इन लोगों की बताइए कैसे। तो चलते हैं हम, एक पीपल का पेड़ है यहीं से थोड़े आगे, और वहाँ चलते हैं, वहाँ से हम उठाते हैं और इनको गंगा जी पे लेके जाएंगे।
रहेगा हमारा ऐसे ही पता। तो चलते हैं दोस्तों, यहाँ से थोड़ी दूरी पे है। वीडियो बनाने का मकसद ये है दोस्तों मेरा कि इस वीडियो के माध्यम से, ताकि ये वीडियो इतना शेयर करिए ताकि उस बंदे तक ये पहुँचे जो यहाँ इस तरीके से करके जाते हैं लोग। कुछ तो लोग होंगे, उन लोगों तक पहुँच जाना चाहिए वीडियो ये। तो आप इसे इतना शेयर कीजिए। अब ये रोड है जो कि रामंगा से ही लगाता है, जो गंगा मैया है हमारी, और ये बदायूं रोड से भी लगा देता है। तो ये गांव जो मेन हाईवे है उससे नीचे उतर के है ये रास्ता, ठीक है। अब ये हम आ गए दोस्तों उस पीपल के पेड़ के पास। यहाँ से हम उठाते हैं, यहाँ भी लोग श्री विग्रह छोड़ के जाते हैं अपने। चारों तरफ से घुमा ले, देख रहे हैं दोस्तों आप। ये देखिए दोस्तों, वहां भी कोई फेंक गया है, ये पूरी सामग्री है इसमें। दोस्तों ये महाराज जी हैं हमारे, क्या कहना चाहेंगे, कार्य कैसा है? सुंदर, अच्छा किया आपने, बहुत बढ़िया है। अच्छा अच्छा अच्छा, गंगा जी दूषित ना हो इसके लिए हम क्या करते हैं कि एक 10 कदम दूरी पे गड्ढा करके वहाँ पे जल छिड़क के और इनको वहाँ सही तरीके से लगा के और रेत से दबा देते हैं, तो सही है ये गलत? बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। अच्छा अच्छा अच्छा, राधे राधे महाराज जी। जैसे आप साधारण बात समझो, हमारा कोई प्रियजन शरीर उसका अंग भंग होके पूरा हो जाता है तो हम अंत्येष्टि क्रिया जैसे करते हैं ना, तो हम
फिर ऐसे थोड़ी चौराहे पे छोड़ देते हैं, पीपल के नीचे छोड़ देते हैं, कोई पधार जाए तो ऐसे छोड़ देते हैं क्या? उनको दफनाते हैं, उनको प्रवाहित करते हैं या उनको अग्नि प्रदान करते हैं। तो हमारे प्रभु के जो श्री विग्रह हैं, तो जैसे यमुना जी हैं, गंगा जी हैं, ये भगवत स्वरूप हैं, तो हम पुष्पमाला में ऐसे उनको आविष्कृत किया, नाव में बैठे और बीच में जाकर भगवत भाव से ऐसे उनको, ये हमारी पद्धति है। जैसे आप साधारण बात समझो, हमारा कोई प्रियजन शरीर उसका अंग भंग होके पूरा हो जाता है तो हम अंत्येष्टि क्रिया जैसे करते हैं ना, तो हम फिर ऐसे थोड़ी चौराहे पे छोड़ देते हैं, पीपल के नीचे छोड़ देते हैं, कोई पधार जाए तो ऐसे छोड़ देते हैं क्या? उनको दफनाते हैं, उनको प्रवाहित करते हैं या उनको अग्नि प्रदान करते हैं। तो हमारे प्रभु के जो श्री विग्रह हैं, तो जैसे यमुना जी हैं, गंगा जी हैं, ये भगवत स्वरूप हैं, तो हम पुष्पमाला में ऐसे उनको आविष्कृत किया, नाव में बैठे और बीच में जाकर भगवत भाव से ऐसे उनको, ये हमारी पद्धति है। जैसे आप साधारण बात समझो, हमारा कोई प्रियजन शरीर उसका अंग भंग होके पूरा हो जाता है तो हम अंत्येष्टि क्रिया जैसे करते हैं ना, तो हम फिर ऐसे थोड़ी चौराहे पे छोड़ देते हैं, पीपल के नीचे छोड़ देते हैं, कोई पधार जाए तो ऐसे छोड़ देते हैं क्या? उनको दफनाते हैं, उनको प्रवाहित करते हैं या उनको अग्नि प्रदान करते हैं। तो हमारे प्रभु के जो श्री विग्रह हैं, तो जैसे यमुना जी हैं, गंगा जी हैं, ये भगवत स्वरूप हैं, तो हम पुष्पमाला में ऐसे उनको आविष्कृत किया, नाव में बैठे और बीच में जाकर भगवत भाव से ऐसे उनको, ये हमारी पद्धति है।